बिमला जी के घुटनों में तकलीफ रहती थी, जिसके कारण वो चल फिर नहीं पाती थी। घर में उनके अलावा उनका बेटा सतीश, बहुरूपा और एक पोती आयशा थी। सतीश की शादी को 6 साल हो चुके थे। पिछले 5 साल तक बिमला जी ही पूरा घर संभालती थी। घर का एक एक सामान वो खुद मंगवाती थी। बहू बेटे भी कभी उनके काम में दखल नहीं देते थे। बिमला जी पूरे रोग के साथ घर में रहती थी। सतीश और रूपा पर पूरा कंट्रोल लगती थी। कहाँ जाना, आज घर में क्या बनेगा, घर में कितना राशन आएगा। साथ ही सतीश की सारी सैलरी का हिसाब भी वे अपने पास ही रखती थी। शुरू शुरू में रूपा को इसमें बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन जब सतीश ने समझाया, माँ की बात का बुरा नहीं माना करो, पापा के टाइम से सारा घर वो ही संभालती आ रही हैं और अब वो अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहती, तो हम ऐसे ही चलने देते हैं। धीरे धीरे रूपा भी इसी रंग में रंग गई। अब उसे अपने सास से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह किचन का काम संभालती, उसमें भी विमला जी अपनी पसंद का खाना बनवाती थी। कुछ दिन बाद रूपा अपने आप को फ्री मानने लगी कि सारी जिम्मेदारी तो माँ जी उठा ही रही हैं। लेकिन अभी 1 साल पहले उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। अगला महीना शुरू हुआ तो हर बार की तरह सतीश अपनी सहेली लेकर माँ के पास गया। बिमला जी ने बहू को बुलाकर कहा, अब ये तुम रखो, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, इस घर की बागडोर तुम ही संभालो। ये सुनकर रूपा बोली, नहीं माँ जी, सब कुछ आप ही संभालेंगे। अब बैठे बैठे काम बताती जाइए, हम करते जाएंगे जैसे पहले करते थे। ये सुनकर सतीश को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ साल पहले तो ये घर की बागडोर संभालने के लिए उससे झगड़ रही थी, अचानक इसे क्या हो गया। बिमला जी बोली, लेकिन बहू, कल मुझे कुछ हो गया तब भी तो तुम ही संभालोगी। रूपा ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ही संभाल रही हैं, आप ही संभालेंगी। उस दिन से बिमला जी का स्वभाव बदल गया था। उन्हें बहू के रूप में बेटी नजर आने लगी। पहले वो सारा कुछ अपने हाथ में इसलिए रखना चाहती थी कि कहीं मेरे बेटे बहू मेरे ऊपर जुल्म ना करे, लगे कहीं बेटे आंख ना बदल लें, कहीं मुझे घर से निकाल ना दें। रूपा पहले की तरह ही माँ जी की पसंद की सब्जी बनाती थी। घर का सामान वो खुद लेने जाती, लेकिन आकर एक एक पैसे का हिसाब अपनी सास को देती और बाकी बचे पैसे भी उन्हें दे देती थी। एक दिन रूपा अपने पीहर गई थी। सतीश अपने ऑफिस आ चुका था। शाम को दोनों वापस आ गए, तब विमला जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, मैंने आज वकील को बुलाकर अपनी वसीयत कर दी है, ये घर तेरे नाम कर दिया है, और ये तिजोरी की चाबी जेवर रुपये पैसे सब मैं बहू को देना चाहती हूँ। तभी रूपा बोली, माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, आप ही संभालिए सब। बिमला जी बोली, बेटा, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं था। जैसा कि आजकल हो रहा है, बुजुर्गों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, मैं उससे डर गई थी, लेकिन अब मुझे तुम दोनों पर विश्वास है, इसलिए मैं ये सब तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। अगले दिन रूपा सब कुछ संभालने लगी। बिमला जी निश्चित होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी, लेकिन उन्हें देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि उनकी बहू आज भी उनकी पसंद का खाना उनसे पूछकर ही बनाती है। अगर दोनों कपड़े खरीदने जाते हैं तो पहले साड़ी अपने सास के लिए लेती थी। रूपा को अब आदत पड़ चुकी थी कि वह सारा काम माँ जी से पूछकर करे। 2 महीने बाद बिमला जी का देहांत हो गया। घर में रोना पीटना मचा। 13 दिन तक मेहमानों का तांता लगा रहा। 13वीं के बाद सभी धीरे धीरे विदा हो गए। सतीश अपने ऑफिस चले जाते, रूपा और उसकी बेटी दोनों घर में अकेले रह जाते। लेकिन रूपा को कुछ भी ध्यान नहीं रहता। वह कुछ भी काम करने से पहले, जहाँ तक कि खाना बनाने से पहले भी माँ जी के कमरे में पहुँच जाती उनसे पूछने के लिए। खाली पलंग को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन वो उस कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक खत मिला। उसने खत पढ़ा तो उसके ही नाम था। उसमें लिखा था, बहू, मैं जानती हूँ तू मेरे जाने के बाद में मेरे कमरे मुझसे पूछने आएगी कि माँ जी क्या बनेगा, क्योंकि तुझे मेरी आदत पड़ गई है और आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन बेटी अब अपनी गृहस्थी संभालना सीख ले, अपने तरीके से अपनी गृहस्थी चला। हमारा समय और था, तुम्हारा समय और है। अपनी पसंद का खाना, बाहर घूमना, अपनी पसंद के कपड़े खरीदना, ये सब
तुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मेरी बातों से तेरा कभी दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता है जब तक मैं थी तू बेफिक्र थी, जब तक मैं थी तू बेफिक्र थी, लेकिन अब मेरे सिर पर छत नहीं है, तुझे ही छत बनना पड़ेगा, जिसके नीचे तेरा पति और तेरी बेटी सुरक्षित रहे और बेफिक्र रहे। मुझे पता है, मुझे पता है ये तू अच्छे से कर पाएगी। तेरी माँ बिमला। कद पढ़कर रूपा बहुत देर तक रोती रही, बहुत देर तक रोती रही। नहीं माँ जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सिर पर छत नहीं है और मैं खुले आसमान के नीचे हूँ, जहाँ बारिश आंधी तूफान सब आएगा। खत को कई बार पढ़ने के बाद रूपा ने उसे सहज कर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह एक माँ की तरह पूरा घर संभालने लगी। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह उस खत को निकाल कर पढ़ती और दृढ़ता से डटकर हर मुश्किल का सामना करती थी। रूपा को हर समय लगता था कि बिमला जी अब भी उनके साथ खड़ी हैं, बिमला जी अब भी उनके साथ खड़ी हैं। अपनों की यादें और उनकी प्रेरणा सदैव याद आती है, यदि कोई उन पर अमल करने वाला हो। जी हाँ, ये प्यारी सी मार्मिक कहानी अंकित की है सविता सिंह जी ने। इसका वीडियो रूपांतरण कर स्वर देने का प्रयास किया है हम हैं पूरणमल पारिक, जवान भाई। दोस्तों, ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए।